क्या परफेक्शनिस्ट आमिर खान करेंगे अपने ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल के सीक्वल की तैयारी? वेल, आमिर खान ने हाल ही में रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस 2024 ओलंपिक से वापस आने के बाद वीडियो कॉल किया। ऐसे में दंगल 2 को लेकर बातें शुरू हो गई। इंडियन रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स 2024 अटेंड करने के बाद रिसेंटली वापस लौटी है। उन्होंने पिछले महीने सेमीफाइनल्स में एक हिस्टोरिक जीत हासिल की थी, लेकिन फिर फाइनल्स में नहीं शामिल हो पाई। विनेश का फाइनल से पहले ही डिस्क्वालिफिकेशन हो गया था, क्योंकि उनका वेट वुमेन्स रेसलिंग 50 केजी फ्रीस्टाइल कैटेगरी के लिए ज्यादा था। हालांकि इसके बावजूद पूरे देश ने विनेश फोगाट के जज्बे को दिल से सराहा। विनेश फोगाट जब इंडिया वापस आई है तो उनका वार्म वेलकम हुआ विद अटमोस्ट प्राइड एंड लव। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी विनेश को चीयर किया और अब फाइनली सुपरस्टार आमिर खान ने विनेश फोगाट को वीडियो कॉल करके उन्हें उनकी ओलंपिक्स की शानदार जर्नी के लिए मुबारकबाद दी है। जी हां, आमिर खान ने उन्हें वीडियो कॉल करके बाकायदा बात की। दोनों की वीडियो कॉल पर इंटरैक्ट करते हुए एक तस्वीर इंटरनेट पर खूब छाई है। वही तस्वीर में दिख रहा है कि विनेश आमिर खान के स्वीट जेस्चर से कितनी ज्यादा खुश और ओवरवेल्म्ड है। आमिर और विनेश के इस मोमेंट के वायरल होते ही इंटरनेट यूजर्स की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं रहा। कुछ लोग जहां दंगल 2 की उम्मीद करने लगे तो कुछ और लोग आमिर के इस खास जेस्चर की तारीफ करते नजर आए। एक यूजर ने कमेंट किया, चैंपियन है। एक दूसरे नेटिजन ने लिखा, दंगल 2 इज ऑन इट्स वे। जबकि एक थर्ड फैन ने कमेंट किया, लवेबल मोमेंट। वैसे ये पहली बार नहीं है जब फैंस ने दंगल का सीक्वल डिमांड किया हो। एक्चुअली विनेश फोगाट की पेरिस ओलंपिक्स सेमीफाइनल में बड़ी जीत के बाद भी नेटिजन्स ने एक्स पर दंगल 2 को लेकर अपनी विश एक्सप्रेस की थी, ताकि रेसलर की इनक्रेडिबल जर्नी को वो बिग स्क्रीन पर विटनेस और एंजॉय कर सके। हालांकि फैंस की अपील पर आमिर कितना गौर फरमाएंगे ये तो वही जाने। बता दे, आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल 2016 में रिलीज हुई थी, जिसे नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया था। ये बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म फॉर्मर रेसलर महावीर सिंह फोगाट की जिंदगी पर आधारित थी। फिलहाल ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट आमिर खान अपनी हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म सितारे जमीन पर में बिजी है। 2007 की फिल्म तारे जमीन पर का सीक्वल ये फिल्म एक लाफ्टर राइड होगी, जिसमें जेनेलिया देशमुख भी एक की रोल में नजर आएंगी।